और सुनाइए, कैसे हैं आप? सोचा कुछ काम कर लिया जाए, और फिर सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लिया जाए। तो हम अभी एक करंट एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, और आप भी ध्यान से देखिए ताकि आपको भी पता चल जाए। सर्वलेट क्रड एप्लीकेशन हम जावा पे बना लेंगे जी। सर्वलेट क्रूड ऐसे लिखा जाता है ना, पता नहीं, हो सकता है। मैं इसको 3.0 सेलेक्ट करता हूँ, आप चाहे तो कुछ और सेलेक्ट कर लें, 3 से लेकिन ऊपर करिएगा, क्योंकि 2 वर्जन जो है XML बेस्ड है, और XML बेस्ड बनाना मुझे पसंद नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं, फिर से नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद बोल रहा है जनरेट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, कर दो जनरेट, क्या फर्क पड़ता है हमको। फिर कर देता हूँ मैं फिनिश, देखते हैं जी फिनिश करने के बाद क्या मिलता है हमको। हो जा भाई फटाक से, हो गया, क्या बात है। यहाँ पे बोल रहा है बिल्ड 53, पता नहीं क्या क्या, वैलिडेट क्रड 25, इसको करने दीजिए। इंटरनली कुछ कुछ कर रहा है तो करे अपना, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट बन के आ चुका है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर एडेड है पहले से, ठीक है। SRC वेब ऐप, ठीक है। ये JRE, यहाँ पे जो है हमारा सर्वलेट होगा, और हमारा जो JSP पेज या इंडेक्स पेज होगा, ठीक है, वेब ऐप के अंदर होगा। तो मैं HTML पे काम करूँगा, आपको मैं पहले बता देता हूँ कि हम करने क्या वाले हैं। तो नोट पैड ओपन, यहाँ पे हम सर्वलेट से हम बनाएंगे क्रड ऐप, ठीक है। इसमें क्या ज़रूरत है, आपको HTML आना चाहिए जी, बूट स्ट्रैप आना चाहिए थोड़ा सा बेसिक, जावा स्क्रिप्ट आनी चाहिए आपको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, JQuery आनी चाहिए थोड़ा सा, उसको बहुत ज़्यादा वो भी नहीं। MySQL भी आनी चाहिए थोड़ा सा आपको, JDBC भी आनी चाहिए थोड़ा सा आपको। नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोड लिखूंगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। तो यही सब आनी चाहिए। मैं jQuery AJAX का भी यूज करूंगा, AJAX। तो इसका बहुत थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बैकएंड के लिए मैं सर्वलेट यूज कर लूंगा, ठीक है, ये सर्वलेट। तो चलिए, काई के लिए देर करने का, समय बर्बाद करना किसी काम का नहीं है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं HTML का इस्तेमाल करूँगा, JSP का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तो HTML पे आया, और इसका नाम क्या लिख दूँ मैं, index.html लिख कर कर दिया फिनिश, और इंडेक्स फाइल जो है यहाँ बन करके हमारा आ गया, और बस ओपन हो गया ही फटाक से। यहाँ पे बोल रहा है इंसर्ट टाइटल, मैं इसको बोल दूंगा सर्वलेट क्रूड, ठीक है, टाइटल लंबा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। इसको रन करना है तो कैसे करेंगे जी, राइट क्लिक कर देंगे यहाँ पे, रन एज सर्वर, ठीक है, रन ऑन सर्वर क्लिक कर दूंगा इस पे। यहाँ पे चॉइस कर लूंगा एग्जिस्टिंग सर्वर, पहले से एडेड है, ठीक है। आपको तो मालूम ही होगा, जब बेसिक थोड़ा सा JSP हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम आपने JSP में बनाया होगा तो आपको मालूम होगा कि कैसे सर्वर वगैरह रन वगैरह होता है। क्रड ऐप है, इस पे मैं कर दूंगा फिनिश, कर दूंगा ओके, बस मेरा क्रोम ओपन हो जाएगा। आपका क्रोम नहीं ओपन होता तो ब्राउजर में जाइए और कर दीजिए क्रोम ब्राउजर, ब्राउजर में जाके तो आपका काम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ठीक दिखाई दे रहा होगा, या फ़ॉन्ट नहीं दिखाई हो दे रहा होगा तो कंट्रोल के बाद प्लस का साइन दबाऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, पर इतना ही बड़ा मैं रहने देता हूँ, इससे बड़ा नहीं करेंगे हम जी। देखिए हमारा इंडेक्स पेज चल के रेडी हो गया, टाइटल में आ गया क्रॉड ऐप, ठीक है। तो हम जल्दी से सेटअप करते हैं। तो मैं बूटस्ट्रैप यूज करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, आ जाऊँगा खुद
खोलने के नहीं रख पाया। ठीक है, कुछ साइड यहाँ पे मैंने खोल के रखा है समय बचाने के लिए। बूट स्ट्रैप अभी खोल लेता हूँ। बूट स्ट्रैप 4 एंटर करा मैंने और गेट बूट स्ट्रैप का पहला साइड आया, मैंने किया क्लिक। ठीक है, तो बूट स्ट्रैप 4 का मुझे पहले CDN लाना होगा, तो यह है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, मैंने CDN इसको कॉपी करूँगा। ये हो रहा है ना? नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया बूट स्ट्रैप का CDN। ठीक है, तो इससे हमारा बूट स्ट्रैप लिंक हो जाएगा। और फिर यहाँ पे मैं आऊँगा नीचे, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझे सिर्फ बूट स्ट्रैप ये जो नीचे लिखा है ना min.css इसका ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ इसी को कॉपी करूँगा, बाकी कुछ कॉपी नहीं करूँगा। नियम ये कहता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है कुछ भी लिंक करना है तो आप सबसे नीचे लिंक करें। तो बूट स्ट्रैप का वो हो गया। जेक्वेरी का लिंक, मुझे जेक्वेरी का भी CDN चाहिए, जेक्वेरी यहाँ भी है लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है। मैं गूगल करूँगा JQUERY CDN, तो जेक्वेरी का ऑफिशियल साइट में मैं जाऊँगा और ऑफिशियल साइट ये है आपका जेक्वेरी का, इस पर मैं जाऊँगा और jQuery का CDN यहाँ से मैं निकाल लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 3.6 पॉइंट, पता नहीं क्या क्या लिखा है। तो अनकम्प्रेस्ड मिनीफाइड, मिनीफाइड में मैं क्लिक करता हूँ और इसी को कॉपी कर लेंगे जी, क्या दिक्कत है। अनकम्प्रेस्ड जो है वो कंप्रेस्ड अनकम्प्रेस्ड होगा, जैसे हम कोड वोड लिखते हैं ना इंटर उंटर मार के इंडेंटेशन वगैरह सेट करके, तो अनकम्प्रेस्ड है। और वाइट स्पेस पूरा हटा के हटा दिया तो मिनीफाइड वर्जन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, इंडेंटेशन बिगड़ गया मेरा, तो ऐसे इंडेंटेशन बना लूँगा। फिर आखिरी में फिर डिलीट बटन दबाया, बन गया इंडेंटेशन। ठीक है, इसको मैं बड़ा विंडो करता हूँ, शायद आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो ये सेटअप हो गया हमारा। ठीक है, अब मैं आता हूँ इंडेक्स पेज पे, ये देखिए सेटअप हो गया। कंट्रोल यू दबाता हूँ मैं, यहाँ पे क्लिक करूँगा, खुल जाएगा बूट स्ट्रैप वाला CDN। कंट्रोल यू दबा के मैं सोर्स कोड देखा, इस पर क्लिक करूँगा तो jQuery का CDN खुल गया। ठीक है, इस पर क्लिक करा तो बूट स्ट्रैप वाला खुल गया, तो हमारा प्रॉपर लिंक हो चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है जी, तो हमें मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्रंट एंड बनाऊँगा, फिर जो है अगले पार्ट में बैकएंड बनाऊंगा, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ बना दूंगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा और आप देखेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं ड्यू टैग्स सबसे पहले लूंगा, ऐसे ले लिया मैंने, बूट स्ट्रैप का इस्तेमाल करा है तो यहाँ पे क्लास देना पड़ेगा, यहाँ पे कंटेनर दे दूंगा क्लास को, और फिर यहाँ पे ड्यू टैग लिया। फिर इसके अंदर आप रो कॉलम जानते होंगे अगर आपको थोड़ा सा बूट स्ट्रैप आता है तो। फिर मैं क्या करूँगा, ड्यू टैग शुरू करूँगा और इसके अंदर क्या कर दूँगा, क्लास यहाँ पे कर दूँगा कॉल -12 कर दूँगा। चलिए मैं यहाँ पे MD भी कर देता हूँ, मीडियम स्क्रीन। ठीक है, तो इसको मैं करूँगा टैब। ये सब काम मैं सिर्फ इंडेंटेशन के लिए कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूँगा, H1 लिखूँगा ऐसे, सर्वलेट क्रूट। ठीक है, तो C से हो जाएगा क्रिएट डेटा, R से हो जाएगा, R से क्या होगा पता नहीं, कुछ होता ही होगा। ठीक है, U से हो जाएगा अपडेट और D से हो जाएगा डिस्प्ले। R से भी कुछ होता ही था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ होगा, छोड़िए। तो ये हो गया, सेंटर में कर दो तो मजा आ जाए। तो मैं बूट स्ट्रैप का क्लास यूज करूंगा txt सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। नहीं आया सेंटर में, मजा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अब कहाँ जाएंगे ये साहब।
ठीक है आ गया। कलर बदल देते हैं, TXT-DANGER, टेक्स्ट डेंजर कर दूंगा मैं, तो ये रेड कलर में दिखाई देने लगेगा, ठीक है, पर नहीं करूंगा मैं डेंजर, बेकार है, पसंद नहीं है मेरे को। शिफ्ट के साथ F5 दबाऊंगा तो गायब हो गया पूरा। टेक्स्ट सेंटर, सेंटर में क्यों नहीं जा रहा है, कैसिंग का प्रॉब्लम होगा, मैं इसमें टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ठीक है तो क्या करेंगे हम मॉडल बना लेंगे एक तो, लेकिन मॉडल बनाने से पहले एक बटन बनाऊंगा मैं, ठीक है, बटन के जगह पे मैं आइकन लूंगा, ठीक है, तो फॉन्ट फॉन्ट ऑसम का मैं आइकन यूज करूंगा, यहाँ पे लिखा है क्लाउड फायर, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, ये वर्जन 5 है, मैं फॉन्ट ऑसम वर्जन 5 CDN लिखा था तो ये साइड खुला था, तो मैं पहले से इसलिए खोल के रखा था ताकि समय बचा लूँ। मजा नहीं आया, लिंक टैग करा रेल स्टाइल से, पेस्ट कर दिया मैं। अब मैं यहाँ से फॉन्ट कोई भी ले सकता हूँ, ये फॉन्ट ऑसम वाला आइकन है, फॉन्ट ऑसम वर्जन 5 करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा, ठीक है, तो इसमें ढेर सारा फॉन्ट मिलेगा, मेरे को ऐड वाला चाहिए फॉन्ट, ठीक है, इसमें कहीं होगा ऐड का, ऐसे में तो बहुत टाइम लग जाएगा ऐड वाला आइकन खोजने में, मजा नहीं आएगा। कौन सा ले ले, मिल जाए भाई कोई एक आइकन, इतना मिल ही नहीं रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, सर्च, अब आ गया सर्च पे, अब हम यहाँ से कर लेंगे सर्च, एक मिनट का टाइम देना, मैं फैन ऑन कर लूँ, एक मिनट का टाइम देना आप लोग, आ गया, यहाँ पे सर्च कर लूँगा मैं ऐड, तो ऐड करा, जैसे ही मैं ऐड पे क्लिक करा तो इधर आ गया, वाह क्या बात है, ये वाला बढ़िया दिख रहा है, इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्लिक कर दूंगा इस पे, बस हो गया, और यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको पेस्ट, ठीक है, तो अब आप देखिएगा कि आइकन हमारा आ जाएगा, ये देख, मजा नहीं आया, ये बहुत छोटा आइकन आया, एक यहाँ पे मैं HR टैग लगाता हूँ, इस टाइल में मैं क्या कर दूंगा, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक है, फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 20 पिक्सल, 20 भी सही नहीं है, मैं दे दूंगा इसको 30 पिक्सल, इसको दे दिया मैंने 30 पिक्सल, ये ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा लाइन ब्रेक
कर देता हूँ, बीआर टैग देके मैं पेडिंग मार्जिन नहीं दे रहा हूँ। ये देखिए आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लाइन ब्रेक हो गई, इस पर क्लिक करेगा तो मॉडल ओपन होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं बटन के अंदर लॉक कर दूँ क्या? BOTT बटन हो गया, क्लास BTN, और इस बटन के अंदर हम डाल देंगे इसको, ऐसा हो गया। यहाँ पे कुछ स्टाइल देते हैं, स्टाइल में BA बैकग्राउंड कलर व्हाइट दे देंगे, फिर बॉर्डर यहाँ पे सेमी कॉलन होगा, मैं गलत कर रहा था, रेडियस ताकि गोल दिखाई दे, 50% कर दूंगा मैं, पिक्सल कर देता हूँ। ये देखिए हो गया। ठीक है, बॉर्डर दे देता हूँ मैं हल्का सा, बॉर्डर तो अब जो है लेकिन सही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। यहाँ पे COYLOR प्राइमरी दे दिया मैंने, ये देखिए टेक्स्ट प्राइमरी हो गया, बॉर्डर भी आ गया है, टेक्स्ट प्राइमरी देते हैं, रन देते हैं। यहाँ पे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये शैडो आ रहा है कुछ, ये मेरे को पसंद नहीं है, तो बॉक्स बॉक्स शैडो एनो एनी नन कर दूंगा, ये बन गया। अब यहाँ पे क्लिक करने पे कुछ भी शैडो नहीं आएगा। ठीक है, ये ठीक नहीं है, मैं ये नहीं दूंगा, पिक्सल रहने देता हूँ। मैं लाइन ब्रेक करके नीचे लिखता हूँ तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको मॉडल बनाना है, बूटस्ट्रैप का तो कैसे बनेगा, ड्यूप इसको मैंने क्लास दे दिया। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं बूटस्ट्रैप मॉडल आपको मिल जाएगा, कहाँ पे है, कंपोनेंट में जाइए। ठीक है, और कंपोनेंट पे अब आप जाएंगे तो फिर मिल जाएगा इधर मॉडल, ये देखिए क्लिक इस पे करूँगा, मॉडल लॉन्च हो गया, तो यही मॉडल मेरे को भी चाहिए। ठीक है, तो यही मॉडल चाहे तो आप यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट भी कर लें, मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो क्लास में मैं दे दिया मॉडल, मॉडल का स्पेलिंग्स में मुझे डाउट है। ठीक है, मॉडल, फिर यहाँ पे ड्यू दिया, और फिर यहाँ पे मैं दे दिया मॉडल हाइफन डायलॉग, मैंने स्पेलिंग गलत ली, मॉडल डायलॉग दे दिया। ठीक है, ये मैं यहीं से देख करके सारा काम जो है कर लूंगा, कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कोई अभिमन्यु नहीं है कि माँ के पेट से ही सीख लिए थे, हम सीडीए पे जाके देख लिए थे। ठीक है, फिर मॉडल डायलॉग के बाद मॉडल कंटेंट,
ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है मॉडल कंटेंट, तो वही हम भी कर रहे हैं। ठीक है, मॉडल कंटेंट के अंदर जो है सारा होगा। ठीक है, अब फिर से डीवी एक बनाइए और ये जो है, ठीक है, मॉडल हेडर, ठीक है, तीन खुली यहाँ पे बनेगा। ये देखिए तीन बार में कॉपी पेस्ट मारा, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे मॉडल हेडर लिखा, यहाँ पे मॉडल बॉडी और यहाँ पे मॉडल फूटर, क्या लिख दिया मैं, फूटर, ठीक है, मॉडल फूटर हो गया। ठीक है, मॉडल हेडर में क्या होगा, H3 से मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा, ऐड से, ऐड सिर्फ लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं फेड लिख दूं अभी, लेकिन कुछ नहीं लिखूंगा मैं। एक यहाँ पे आईडी वैल्यू दे दूंगा, आईडी इक्वल टू माई मॉडल। इसी के सहायता से हम क्या करेंगे, मॉडल को शो कराएंगे। कैसे मैं दिखाऊंगा आपको। मैंने क्लिक करके इंस्पेक्ट पर क्लिक करा, यहाँ पे आऊंगा डॉलर डॉट नहीं हैज से सेलेक्ट कर लेंगे, पेस्ट किया ऐसे डॉट मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडल लिखूंगा और यहाँ पे कर दूंगा शो। तो ये देखिए मॉडल सामने दिखाई देने लगा। मॉडल को हाइड करना है, हाइड पे क्लिक कर दूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये इसे शो हाइड हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, ये फेड है ना, ये एनिमेशन मैं दे दूंगा। ठीक है, कहाँ पे, यही क्लास में। ठीक है, तो ये दे दूंगा एनिमेशन जी। ठीक है, अब शो पे क्लिक करूंगा तो देखिए आराम से आया अभी, हाइड करूंगा तो आराम से होगा। तो बस यही चीज हमें क्या करना है, इसके ऑन क्लिक में हमें कॉल कर देना है। मैं सीधा यहीं पे ऑन क्लिक पे पेस्ट कर दूंगा। आप फंक्शन में भी पेस्ट कर सकते हैं, अभी कहां से आएगा, हमारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, क्लिक किया आ गया मॉडल, और बाहर हटाऊंगा तो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ कंपोनेंट्स बनाता हूँ फटाक से, अब मैं फॉर्म डिजाइन कर लूंगा, ड्यू मैं बूटस्ट्रैप के टेक्निक से बनाऊंगा। मैं पहले तो मैं फॉर्म शुरू कर लूंगा, FORM फॉर्म टैग, ठीक, और उसके बाद ये ड्यू टैग कट कर दूंगा ऐसे ऐसे। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर मैं कुछ भी अभी नहीं सेट कर रहा हूँ, ड्यू के अंदर लिख दूंगा मैं क्लास, और यहाँ पे लिख दूंगा FORM-GROUP। बूटस्ट्रैप के फॉर्म कंपोनेंट में आप जाएंगे तो ये क्लास आपको मिल जाएगा। अब मैं वहाँ बार बार जाके आपको भ्रमित नहीं कर रहा हूँ अभी। इनपुट टाइप नेम, नेम में क्या कर दूंगा, नेम दे दूंगा। ठीक है, प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर में लिख दूंगा इंटर वाई ओ यू आर नेम। ठीक है, तो मैं इसी तरह से दे दूंगा। ठीक है, बस लेबल भी आप चाहें तो दे सकते हैं,
पास कॉपी और पेस्ट करूंगा इसी को। नहीं, इतने को कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, ये फॉर्म ग्रुप पूरा कॉपी करूंगा। पेस्ट कर दिया, तीन इसको दो बार मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए फॉर्म टैग के अंदर इतने सारे कोड हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करूंगा, नेम के लिए पे कर दूंगा MOBILE, नेम के लिए पे क्या कर दूंगा MOBILE, और यहाँ पे नेम के लिए पे MOBILE मोबाइल कर दिया जी यहाँ पे। अब यहाँ पे ईमेल कर देंगे, टेक्स्ट के लिए पे ईमेल कर देंगे, यहाँ पे भी नेम के लिए पे ईमेल कर देंगे, और यहाँ पे भी नेम के लिए पे ईमेल कर देंगे। और फिर क्या करूँगा, मोबाइल का जो टेक्स्ट का वैल्यू है इसलिए MBE ऐड कर दूंगा। सेव कर दिया, अब जाएंगे हम यहाँ पे, करूँगा इस पे क्लिक। मज़ा नहीं आया, ऐसा बन गया। कोई बात नहीं, हम बदलाव करेंगे इसमें। इसमें एक क्लास का वैल्यू दे दूंगा फॉर्म कंट्रोल, कंट्रोल, ठीक है, फॉर्म कंट्रोल दे दूंगा क्लास का वैल्यू ऐसे टोटल में। तो अब थोड़ा सा ही डेकोरेट हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा आपको बूटस्ट्रैप के साइट पे भी। ठीक है, लेकिन इसमें समस्या अब क्या है, थोड़ा सा इसमें मार्जिन पेडिंग देते हैं। मार्जिन दे दिया इसमें मैं थोड़ा सा, अभी देखिए किनारे हो गया, तो इसको 3 दे दूं मैं। हाँ 3 मार्जिन सब में मैं दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा गैप हो जाएगा। ये चीजें आपको बूटस्ट्रैप में मिल जाएगा। इधर है जी, ये देखिए फॉर्म यहाँ पे है। ठीक है, तो फॉर्म में आपको ये देखिए यही फॉर्म वगैरह बना हुआ है। तो इसी को जो है मैं कॉपी पेस्ट मारा था वहां पे, यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, मैं मार्जिन थोड़ा दे देता हूँ ऐसे, मार्जिन दे दूंगा इसमें भी। ये दे दिया, ये बन के रेडी हो गया। बस कुछ बटन्स मैं बना देता हूँ। ठीक है, ये बटन बन गया। इनपुट, ठीक है, टाइप में BUTTON टाइप बटन, नहीं बटन नहीं, इसको टाइप सबमिट देना पड़ेगा, टाइप सबमिट। ठीक है, BALUE वैल्यू इक्वल टू क्या दे देंगे, सेव। ठीक है, क्लास में वैल्यू क्या दे देंगे जी, क्लास में BTN-BTN- प्राइमरी प्राइमरी दे दिया, और नीचे एक बटन लाएंगे हम। ठीक है, इसका दे देंगे DANGER डेंजर, और इसका टाइप रीसेट दे देंगे। ठीक है, इसके वैल्यू में भी मैं दे दूंगा रीसेट। अब ये देखिए आ गया, ओपन पे क्लिक करूंगा, ये देखिए आ गया। कुछ टाइप मैं करूंगा यहाँ पे नंबर ऐसे, और जब सेव पे बटन करूंगा तो सबमिट होगा फॉर्म, और रीसेट पे क्लिक करूंगा तो ये सब गायब हो जाएगा। लेकिन ये गायब हुआ क्यों नहीं,
इसको तो गायब होना चाहिए था। टाइप का वैल्यू तो रिसेट मैंने ठीक ही दिया है। फॉर्म टैग के बाहर लिखा हूँ इसलिए वो नहीं काम किया। तो क्या करना चाहिए हमको कि पूरे मॉडल को मैं क्या करूँगा, ये देखिए मॉडल को जो है पूरे मॉडल को मैंने फॉर्म टैग के बाहर रख दिया। यहाँ पे मेरा मॉडल है, ये फॉर्म टैग चला गया, ठीक है। और नीचे भी क्या करूंगा, इस फॉर्म टैग को यहाँ से कट करूंगा और यहाँ पे मेरा मॉडल बंद हो गया है और यहाँ पे मैं फॉर्म को कर दूंगा बंद, ठीक है। अब इस पे क्लिक करूंगा, कुछ भी लिखूंगा, रीसेट पे क्लिक करा तो देखिए रीसेट हो गया, ठीक है। चलिए इतना हो गया हमारा। इन सब को मैं डिलीट करूंगा वाइट स्पेसेस। तो इतना सा हमने कोड कर लिया है, ठीक है। टाइम कितना हो गया, 30 मिनट। तो क्या कहते हैं आप लोग, काम करते हैं आगे? लेकिन 30 मिनट से ज़्यादा हम वीडियो बना देंगे, लोग देखेंगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए बाकी को हम अगला वीडियो में काम करते हैं, ठीक है। चलिए जी, आप लोग भी प्रैक्टिस करिए।